गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएचपी में ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो बाकी सारी लैंग्वेजेस में जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपेरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही पीएचपी के अंदर भी ये सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर होता क्या है पहले ये देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन है 4 + 5 = 9। तो यहाँ पर 4 और 5 ये कहलाते हैं ऑपरेंड, इनको बोलते हैं ऑपरेंड्स, जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म की जाएगी वो ऑपरेंड होते हैं। और ऑपरेशन कौन सी परफॉर्म की जा रही है, इन दोनों का सम कर रहे हैं हम, प्लस जो साइन लगा रहे हैं वो सम कर रहे हैं। तो प्लस साइन यहाँ पर यूज आ रहा है इन दोनों को जोड़ने में, इसलिए प्लस क्या होता है, ऑपरेटर। तो सिंपल सा है कि जो ऑपरेट करेगा उसको बोलते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ प्लस ऑपरेटर कर रहा है, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये ऑपरेटर्स होंगे। और जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म की जा रही है वो होते हैं ऑपरेंड। तो ऑपरेटर तो हो गया काम करने वाला, और ऑपरेंड हो गए जिन पर काम हो रहा है। अब हम सारे जो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट है, वहाँ पर हमने जितने भी टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको एक एक करके लिखा है और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा है। जैसे हमने यहाँ पर क्या, दो वेरिएबल लिए हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो कैपिटल ए में हमने वैल्यू डाली है 10 और कैपिटल बी में 20। अब ये सारी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करके देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं प्लस। प्लस में हम देखेंगे तो प्लस क्या करता है, ऐड करता है दो ऑपरेंड्स को। तो यहाँ पर हमने ए प्लस बी किया, तो 10 + 20 कितना हो गया, 30। फिर माइनस, ये क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, लेकिन किसको, सेकंड ऑपरेंड को करता है पहले में से। तो हमारे पास पहला ऑपरेंड ए है, उसकी वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू 20 है, तो दूसरे ऑपरेंड की वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा निगेटिव में। तो 10 - 20 = -10। फिर आता है स्टार, स्टार ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है दोनों ऑपरेंड्स को, ए स्टार बी। तो स्टार सिंबल हम काम में लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ए कितना है, 10, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, कितना आएगा, 200। तो 200 आ जाएगा। अब डिवीजन, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश सिंबल, ये क्या करता है, डिवाइड करता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ बी को डिवाइड करेंगे ए से, बी क्या है, न्यूमरेटर, ए क्या है, डिनोमिनेटर। तो बी की वैल्यू कितनी है, 20, और इसको डिवाइड करेंगे 10 से, आंसर कितना आएगा, 2। तो ये 2 आ गया यहाँ पर। फिर आता है मोडुलस। तो देखिए, डिवाइड करते हैं उसमें क्या कोशियंट आता है, कितनी बार भाग गया है। जैसे 20 में 10 का 2 बार भाग गया है, पूरा दो बार, 10 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स हो जाएगा 20 इसका। परसेंटेज होता है वो मोडुलस होता है। मोडुलस होता क्या है बेसिकली, मोडुलस कुछ नहीं है, आप अगर मैं हिंदी में आपको बताऊँ तो आप भाग देते हैं तो जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, वही होता है मोडुलस। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है,
वही मॉडुलस होता है। तो बी परसेंटेज ए, बी परसेंटेज ए का मतलब हुआ आप 20 में भाग दे रहे हो 10 का, तो दो बार जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। इसलिए 2 अपना आंसर आया था डिवीजन में और 0 आएगा मॉडुलस में, यहाँ पर 0 आप देख सकते हैं। फिर प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। प्लस प्लस होता है इंक्रीमेंट, इसका मतलब किसी भी ऑपरेंड के आगे अगर ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे तो ये इंक्रीज कर देगा इंटीजर वैल्यू बाय 1। तो हमारे पास कितना था, ए की वैल्यू 10 थी और ए प्लस प्लस किया तो 10 को प्लस प्लस कर दिया। 10 को प्लस प्लस करने का मतलब होता है कि 10 प्लस 1, इसका मतलब ये होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 11। ये 11 आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आता है माइनस माइनस। तो जैसे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर आया है वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। डिक्रीमेंट में माइनस माइनस हो जाएगा, तो ए में हमने माइनस माइनस लगाया तो ए की वैल्यू थी 10 और इसके लगा दिया माइनस माइनस, इसका मतलब हो गया 10 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया, 9। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। अब इसके आगे हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं, दो ऑपरेंड्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं, जैसे कि दोनों बराबर हैं या दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या बराबर नहीं है, इस तरह से। तो वही हमने वैल्यू ले रखी है, कैपिटल ए की 10 और कैपिटल बी की 20। तो सबसे पहले हमारा जो ऑपरेटर आता है वो आता है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर को हम दो बार इक्वल टू साइन लिखते हैं। एक बार इक्वल टू साइन का मतलब हम अगर कंप्यूटर में समझेंगे, प्रोग्रामिंग में समझेंगे, तो इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये असाइन कर देता है लेफ्ट में कोई ऑपरेंड है ए, उसमें राइट में जो वैल्यू है या कोई एक्सप्रेशन है, 10 प्लस 1 एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो ये एक बार इक्वल टू लगाएंगे तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन अगर हमने दो बार लगा दिया, तो उसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। तो यहाँ पर चेक करता है ए इक्वल टू बी का मतलब क्या दोनों बराबर है या नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यू लेफ्ट में और राइट में दोनों बराबर होती है तब तो ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आता है। जैसे यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं ए इक्वल टू बी, इसका मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं, 10 इक्वल टू 20। तो क्या 10 20 के बराबर है, नहीं है, इसलिए क्या आएगा, नॉट ट्रू, फॉल्स आएगा। अगर आप सिंगल इक्वल टू लगा देंगे तो क्या होगा, ए इक्वल टू बी। इस केस में क्या हो जाएगा, ए के अंदर बी वाली वैल्यू कर देंगे, पहले ए में कितनी थी 10 और बी में कितनी थी 20। लेकिन अगर ऐसा कर दोगे तो अब ए के अंदर भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू ये भी 20 हो जाएगी। तो एक बार लगाएंगे इक्वल टू का साइन, वो असाइनमेंट है, दो बार लगाएंगे वो है इक्वल टू ऑपरेटर। अगर लेफ्ट में और राइट में जो ऑपरेंड हमारे पास दोनों की वैल्यू अगर सेम है तब तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। फिर इक्वल टू है उसकी जैसे ही एक ऑपरेंड है नॉट इक्वल टू, ये बिल्कुल उसका उल्टा रिजल्ट देगा जो ऊपर वाला, ऊपर वाले ने नॉट ट्रू दिया तो ये ट्रू देगा, बिल्कुल उल्टा है उसका, ठीक है। ये चेक करता है नॉट इक्वल टू, अगर दोनों बराबर नहीं है तब ट्रू देता है, ठीक है। तो हमने ए नॉट इक्वल टू बी चेक किया, इसका मतलब हमने किया कि 10 बराबर नहीं है 20 के, 10 बराबर नहीं है 20 के, हाँ सही बात है, 10 20 के बराबर नहीं है, सही बात है, तो ट्रू हो गया। उसके बाद में चेक करते हैं हम ग्रेटर देन, ग्रेटर देन चेक करेंगे। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का मतलब जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड है ए ग्रेटर देन बी,
तो क्या ए बी से बड़ा है? तो चेक करते हैं, ए की वैल्यू कितनी थी? 10, ग्रेटर देन 20। अब बताइए इसमें क्या सही है? नहीं है, क्योंकि 10 तो 20 से छोटा है, इसका मतलब नॉट ट्रू। फिर आता है लेस देन, तो लेस देन हम चेक करेंगे, लेस देन में ये चेक किया ए लेस देन बी, इसका मतलब 10 लेस देन 20। क्या 10 20 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो ट्रू आ जाएगा। इसके बाद में आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस हो गई और दोनों का क्या है, और ले रहे हैं हम, एंड और पढ़ा होगा आपने, और ये जो सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब दोनों में से कुछ भी ट्री हो जाएगा तो ट्री हो जाएगा। और का मतलब समझा होगा आपने, और का मतलब ये होता है कि दो कंडीशन हैं, दो इनपुट है, उनमें से कोई सा भी एक ट्री हो गया तो ट्री हो जाता है। तो यहाँ पर चेक कर लो, सबसे पहले चेक करो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इस तरह से हम लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा 10 ग्रेटर देन 20 और 10 इक्वल टू 20, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो जाए। तो पहले ऊपर वाले चेक करते हैं, क्या 10 है वो 20 से बड़ा है? तो ये तो फॉल्स हो गई, और 10 20 के बराबर नहीं है, ये भी फॉल्स हो गई। तो फॉल्स क्या होगी? फॉल्स ही होगी, जब दोनों इनपुट 0 और 0 होंगे तो और में आउटपुट भी 0 होगा, इसलिए नॉट ट्रू। और में क्या होता है कि कोई सा भी एक अगर ट्री हो जाता है तो ट्री हो जाती है, ठीक है। फॉल्स सिर्फ एक ही केस में आता है, अगर दोनों फॉल्स है उसी केस में फॉल्स आता है। इसमें एक चीज़ हो रहा है कि पहली कंडीशन ट्री हो गई, दूसरी चेक ही नहीं करते हैं, जैसे नीचे वाले में समझ जाएंगे हम। इसमें लेस देन इक्वल टू, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी हमारे पास दो कंडीशंस हम चेक करेंगे। तो पहले चेक करते हैं 10 लेस देन 20 और 10 इक्वल टू 20। तो 10 20 से छोटा है, सही बात है, तो ये राइट हो गया। तो पहला राइट हो गया, तो हमें पता है और में क्या चाहिए, सिर्फ एक राइट हो गया, एक ट्रू हो गया तो ट्रू आएगा रिजल्ट, तो आगे हमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये गलत है या सही है हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो हमारा काम हो गया, ये ट्री हो गया तो आउटपुट ट्री आ जाएगा। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल में जैसे मैंने अभी बताया एंड और होता है, वही चीज़ है इसमें। देखिए जैसे एंड कर दिया हमने, तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाएंगे। अब एंड के अंदर क्या होता है कि दोनों अगर ऑपरेंड हैं वो ट्रू हैं तभी आउटपुट ट्रू आता है। तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग में नॉर्मली क्या होता है, फॉल्स होता है उसको जीरो मानते हैं, और ट्रू होता है उसको जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है वो ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पर 10 और 20 दोनों जीरो से कुछ अलग वैल्यू है, 10 और 20, तो दोनों का एंड, ठीक है। अब ये अलग अलग में अलग अलग सिंबल होते हैं लैंग्वेज में, तो ये इसका आउटपुट आएगा ट्रू। फिर और में भी क्या आउटपुट आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, अब एंड और जैसे मैंने बताया वही यहाँ पर सिंबल आ गए, ये एंड का सिंबल होता है, ठीक है, लॉजिकल एंड होता है, दोनों जैसे इसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज में, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो यहाँ पर दोनों नॉन जीरो है, 10 और 20 वैल्यू है, तो आउटपुट आएगा ट्रू। अब और ऑपरेटर, और में तो वैसे भी हमें पता है
और में क्या होता है, इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर दोनों में से एक भी नॉन जीरो हो गई मतलब ट्रू हो गई तब आउटपुट आएगा ट्रू, तो ये तो ट्रू होना ही है। फिर आता है नोट, ये होता है लॉजिकल नोट। ये क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है। रिवर्स करने का मतलब अगर कोई कंडीशन ट्रू आ रही है तो उसको फॉल्स कर देगा। जैसे कि हमने एंड वाला रिजल्ट देखा था यहाँ पर, क्योंकि 10 और 20 दोनों नॉन जीरो वैल्यू थी इसलिए इनका एंड है वो आ रहा था ट्रू। लेकिन हमने क्या किया, इनके पहले हमने लगा दिया नोट, जैसे इसमें देख सकते हो आप। जैसे ये नोट सिंबल लगा यहाँ वाला, इसने ट्रू को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ट्रू है और इसके अगर आपने नोट ऑपरेटर लगा दिया ये, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये रिवर्स कर देगा या फिर हम बोल सकते हैं ये टॉगल कर देगा, बिल्कुल उल्टा रिजल्ट कर देगा इसका। आगे फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। जैसे ये मैं पहले में बता चुका हूँ आपको, अगर हमारे पास जो इक्वल टू का साइन होता है वो अगर हम एक बार लगाते हैं तब क्या करता है, जो राइट में जो एक्सप्रेशन है असाइनमेंट ऑपरेटर के, उसको लेफ्ट वाले में असाइन कर देता है। जैसे सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ ए प्लस बी को सी में असाइन कर देगा, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20, तो ये आएगा 30 वैल्यू आ जाएगी सी की। फिर एड एंड असाइनमेंट, ये तो सिंपल असाइनमेंट था हमारे पास। अब आगे आ गया एड एंड असाइनमेंट, कि जोड़ो और उसके बाद में असाइन करो, जोड़ो और उसके बाद में। अब जोड़ना किसको है, ठीक है आपको सिंपली मैं यहाँ से बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, C प्लस इक्वल टू ए, ये किसी इक्वलेंट होता है C इक्वल टू C प्लस ए, इसका मतलब C प्लस इक्वल टू ए, ठीक है ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, C इक्वल टू C को ऐड कर दो A में। हमेशा जो इक्वल टू साइन के लेफ्ट में जो रहता है वो ऐड हो जाता है राइट वाले में और फिर लेफ्ट वाले में असाइन कर देते हैं। तो इसका मतलब C प्लस इक्वल टू A का मतलब होता है C इक्वल टू C प्लस A, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, C प्लस A। C की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, ठीक है। सपोज अगर ऊपर वाली हमने परफॉर्म किया पहले ऑपरेशन, तो a प्लस बी को क्या, तो c में मान लीजिए 30 वैल्यू है, तो इसमें a की वैल्यू और ऐड कर दो 10, तो ये 40 हो जाएगी, ठीक है। c की जो भी वैल्यू होगी वो a में ऐड हो जाएगी, फिर c में असाइन हो जाएगा। फिर ऐसे सब्ट्रैक्ट एंड एंड होता है, असाइनमेंट होता है। इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट वाले में से सब्ट्रैक्ट करके फिर असाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, C माइनस इक्वल टू A, इसका मतलब क्या है, C इक्वल टू C माइनस A। C की वैल्यू मान लीजिए 40 थी और A की वैल्यू 10 थी, तो अब 30 रह जाएगा C की वैल्यू। फिर आता है स्टार एंड इक्वल टू, इसमें बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्ट किया और हमने ऐड किया, वैसे ही क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सी स्टार इक्वल टू ए, इसका मतलब हो जाएगा सी इक्वल टू सी स्टार ए। सी की वैल्यू लास्ट में कितनी बची थी, जो भी वैल्यू रही होगी, मान लीजिए अगर मान लीजिए 20 रही है और ए की वैल्यू 10 रही है, तो ये हो गया 200, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, वही है, सिंपल चीज़ है, इनको हमने शॉर्ट में लिख दिया है। क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग में क्या करना होता है कि टाइम बचाना होता है, स्पेस बचाना होता है,
प्रोग्रामर है, उसकी मेहनत बचानी है, तो हम क्या करते हैं इनको सॉर्ट में लिख देते हैं ताकि ज़्यादा हमें लिखना नहीं पड़े। ये डिवीजन भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। डिवीजन भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। सी लेस देन इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। ठीक है, फिर ये मॉडुलस, मॉडुलस भी बिल्कुल वैसे काम करेगा, हम देख चुके हैं मॉडुलस। उसके बाद में आते हैं हमारे कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर होता है उसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, एक सब्स्टिट्यूट है इफ एल्स का। इफ एल्स में हम क्या करते हैं, इफ और यहाँ पर कंडीशन आएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब एल्स वाला हो जाएगा। इफ में अगर कंडीशन ट्रू तब तो ये वाला स्टेटमेंट, अगर कंडीशन फॉल्स तब ये वाला स्टेटमेंट। सिंपल है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट है या टर्नरी ऑपरेटर है ये भी बिल्कुल ऐसे होता है। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए x इज लेस देन y क्वेश्चन मार्क। अगर x छोटा है y से तब a के अंदर हम डाल देंगे 10, और अगर फॉल्स होता है तब a में डाल देंगे 20। ठीक है, अब x लेस देन y हम चेक करेंगे पहले। अगर x लेस देन y ट्रू है तब तो हम ये वाला काम करेंगे जो भी हमें यहाँ लिखा हुआ है वो। अगर ये हो गया फॉल्स तब हम करेंगे ये वाला काम। ठीक है, तो ये इफ एल्स का सब्स्टिट्यूट है। अब ऑपरेटर्स हमने अरिथमेटिक देखा, लॉजिकल देखा, अलग अलग कैटेगरी देखी। इनके अलावा भी हम दूसरी तरह से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। वो कैटेगराइजेशन होगा कि इसमें से जो आपके ऑपरेंड्स हैं वो कितने काम में आ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड पर काम कर रहा है तब हम उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, और फिर यूनरी के अंदर भी क्या प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब ऑपरेटर पहले आएगा, ऑपरेंड बाद में। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यूनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे प्लस प्लस ए, ये यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि यहाँ हमारा ऑपरेंड क्या है, एक ही है, सिंगल ही है। ठीक है, और ये किसका एग्जांपल है, प्री इंक्रीमेंट का है, प्रीफिक्स का, क्योंकि इसमें ऑपरेटर वो पहले आ गया। अगर इसी को मैं ऐसे लिखता ए प्लस प्लस तो ये हो जाता यूनरी ऑपरेटर ही है, लेकिन ये क्या पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। तो ये दो टाइप के यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। फिर होता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है कि दो ऑपरेंड होते हैं, तो इसमें अरिथमेटिक भी हो सकता है, लॉजिकल भी। जैसे ए प्लस बी, तो यहाँ पर प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसमें ए और बी दो ऑपरेंड आ रहे हैं, तो ए माइनस बी भी हो सकता है। तो ये तो अरिथमेटिक ऑपरेटर भी होता है, और ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ऐसे ये लॉजिकल ऑपरेटर भी हो सकते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट जो हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो इफ एल्स का मैंने सब्स्टिट्यूट बताया, वो कंडीशनल ऑपरेटर। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, तीन ऑपरेंड आ गए। ठीक है, तो यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, तीन तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स हो गए। फिर एक आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट क्या करता है, कुछ नहीं करता, सिंपली जो राइट साइड में वैल्यू है वो लेफ्ट वाले में असाइन कर देता है। जैसे a इक्वल टू 10 प्लस 5, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ये राइट वाली वैल्यू है उसको इसमें लेफ्ट वाले में असाइन कर देगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब उसके आगे है प्रिसिडेंस और पीएचपी ऑपरेटर्स। प्रिसिडेंस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और उसमें अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हम काम में ले रहे हैं,
तो उसमें से सबसे पहले कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म की जाए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स इक्वल टू 7+3*2। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका आप आउटपुट बताओ, तो इसमें दो आउटपुट दे सकते हैं बच्चे। पहला आउटपुट ही दे सकते हैं, 7 में 3 को ऐड कर दिया तो 10 हो गया, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20। दूसरा ये दे सकते हैं कि x इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया, और 6 को 7 में ऐड कर दिया, 13 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 13 है वो सही है, 20 है वो गलत है। ये 20 वाला गलत है, 13 सही है। क्यों सही है? क्योंकि ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं कि जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर है उसकी प्रीसीडेंस ज़्यादा है जोड़ने वाले से। इसका मतलब पहले हम कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? मल्टीप्लाई करने वाली, जोड़ने वाली उसके बाद में करेंगे। तो ये प्रीसीडेंस है, उनके जो भी रूल्स हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो हायर जो प्रीसीडेंस होगा उसको हम पहले परफॉर्म करेंगे। फिर इसमें एसोसिएटिविटी आती है, जैसे यूनरी ऑपरेटर है तो यूनरी में नोट है, इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट है। तो ये तीनों तरह के ऑपरेटर्स हैं, नोट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इनकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। एसोसिएटिविटी का मतलब भाई एक ऑपरेटर है उसके लेफ्ट में भी कोई ऑपरेंड है और राइट में भी है, तो वो कौन से पर काम करेगा? ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आप राइट में करें लेफ्ट, तो वो क्या करता है, राइट टू लेफ्ट चलता है। मल्टीप्लिकेटिव होता है, मल्टीप्लिकेटिव में देखिए तीनों आते हैं इसमें, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस, ये लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लेफ्ट टू राइट ही काम करते हैं, एडिटिव, रिलेशनल, एक्विटी, सब लेफ्ट टू राइट काम करते हैं। देखिए सब लेफ्ट टू राइट है, कुछ है वो राइट टू लेफ्ट है। तो राइट टू लेफ्ट में एक तो आपने देख लिए यूनरी ऑपरेटर हो गए जिसमें नोट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और हमारा कंडीशनल हो गया और असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये दो तीन तरह के उनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। असाइनमेंट में हमेशा जो असाइनमेंट है उसके राइट में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसको हम असाइन करते हैं लेफ्ट में, ऐसा नहीं कि लेफ्ट वाले को राइट में असाइन करते। देखिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। आप ए इक्वल टू बी प्लस सी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बी प्लस सी को जोड़ के ए में असाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि ए की वैल्यू बी प्लस सी में करेंगे, ये कभी भी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है, अगर आपने ऐसा लिख दिया बी प्लस सी इक्वल टू ए, ये गलत होता है, इसमें एरर आएगी, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो ये थे हमारे पीएचपी में ऑपरेटर्स। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।